चीज ले लो, बहुत सारे चीज ले लो, दूध ले लो, दूध। यस, हम हैं द फेमस चीज की सिटी हाउडा चीज, हाउडा चीज, हाउडा सिटी के अंदर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। मैं हूं मेघा, मैं सौरभ, और आज आपको घुमाते हैं हम लोग द फेमस सिटी ऑफ नेदरलैंड्स हाउडा। सो लेट्स गो। मम्मी और पापा दोनों को फूल इतने अच्छे लगते हैं, तो जैसे ही वो फ्लावर्स देखते हैं ना तो पिक्चर्स खींचते हैं। वैसे इस बार ना नेदरलैंड्स में जब ट्यूलिप सीजन था तब हम उन्हें बुला नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए, तो ट्यूलिप्स इस साल नहीं दिखा सके, पहले तो बहुत बार दिखा चुके हैं। बट स्टिल सी, ये समर के फ्लावर्स हैं एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। इनफैक्ट ये पूरा कैनाल का जो है वो कितना सुंदर दिख रहा है। नेदरलैंड्स की हर सिटी में वैसे तो कैनाल्स हैं और हर ही कैनाल्स ब्यूटीफुल होती है, बट गौडा की, हाउडा की इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। दीज आर समर फ्लावर्स एंड यू लुक एट द कैनाल एंड ऊपर देख रहे हैं, देर आर फोर वुमेन हु आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। अलग ही वाइब है। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स बिल्कुल सिटी सेंटर, जहाँ पे है द फेमस म्यूनसिपैलिटी गिमेंटे हाउस या टाउन हॉल, और वो बिल्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो लेट्स गो एंड सी दैट। पहुंच गए हैं हम द ब्यूटिफुल टाउन हॉल ऑफ हाउडा। दिस इज द ब्यूटिफुल बिल्डिंग, और 1600 में ये बिल्डिंग बनी है। एंड डू यू सी द रेड विंडोज, दैट इज एक्चुअली मेकिंग इट रियली ब्यूटिफुल। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन हॉल है नेदरलैंड्स का, और यहाँ पर आप ना, अब टाउन हॉल जैसा तो फंक्शन नहीं करता है ये, क्योंकि ओल्ड टाउन हॉल है, बट यहाँ शादी अभी भी होती है, तो आपको शादी करनी है ना तो संडे को यहाँ पे आके आप शादी कर सकते हैं। It's one of the most beautiful town of all of Netherlands. और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी, ऑब्जर्व करी, कि यूजुअली क्या होता है, किसी भी सिटी में चर्च होता है बीच में और फिर उसके आसपास सारा सिटी बसा होता है, बट हाउडा में टाउन हॉल है सेंटर के अंदर और उसके आसपास सारे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स और सिटी है, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड मेक्स इट अ डिफरेंट सिटी एज वेल मेरी नज़र में। मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो हिस्टोरिक सा बिल्डिंग दिख रहा है, दिस वन, ये बना है 1668 में, और ये है चीज़ की मंडी। जी हाँ, चीज़ की मंडी, क्योंकि पुराने ज़माने में ना यहाँ पे जो भी चीज़ वाले फार्मर्स थे, जो चीज़ को प्रोड्यूस करते थे, उनको अगर अपनी चीज़ बेचनी हो तो फिर इस मंडी में आते थे, और यहाँ पे चीज़ का वेट होता, चेक होता था, उसे इंस्पेक्ट किया जाता था, और फिर उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस मिलता था। सो दिस इज़ द चीज़ मंडी, लाइक आ सब्जी मंडी। जब भी आप चीज़ का नाम सुनते हैं तो सबसे जो पॉपुलर चीज़ है, जो सब लोग जानते हैं, वो है यहाँ का चीज़, हाउडा चीज़। और चलते हैं इसके अंदर, ये 1842 की बिल्डिंग है और यहाँ पे आप हाउडा चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अंदर से देखते हैं और देखते हैं कि आखिर कितने सारे टाइप के चीज़ यहाँ मिल रहे हैं, और अगर हुआ पॉसिबल और अच्छा लगा हम सबको तो हम खरीदेंगे भी। लेट्स गो इन। आपने बहुत सारे टाइप के शैंडलियर्स देखे होंगे, बट आपने कभी चीज़ का शैंडलियर देखा है? वो कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स, द चीज़ कैपिटल हाउडा में।
तो चीज़ का बनते हुए तो एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, बट यहाँ सब डिफरेंट टाइप के चीज़ पड़े हुए हैं एंड साथ में लिखे हैं प्राइजेस. तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, 14 €95 का है. दिस इज़ 8 €95. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पेस्टो रूड है, मतलब रेड कलर का पेस्टो सॉस का बना, ये ग्रीन कलर का बना हुआ है एंड स्मॉलर पीसेस भी हैं. सो ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा ओल्ड है, 18 months ओल्ड है और ये है 4 €. का ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेस के और डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज के चीज़ यहाँ रखे हुए. तो इस शॉप में लगा हुआ है ये बोर्ड और यहाँ पर लिखा है वेर आर यू फ्रॉम. सो सब लोगों ने अपना लगाया है यहाँ पर, कहाँ कहाँ से वो आए हैं. इनफैक्ट इंडिया में भी लगा है लोगों ने, मदुरई, बैंगलोर. तो यहाँ पे दिख रहा है इंदौर, हम लगा देते हैं यहाँ इंदौर पे. ग्वालियर भी दिख रहा है. दिख रहा है कहाँ? नॉर्थ नहीं लिखा है कहीं, ग्वालियर, इंदौर लिखा है. Then here is ग्वालियर. ओ ग्वालियर लिखा है, लेट्स पुट फर्स्ट पुट ऑन इंदौर. मम्मी से बोलते ग्वालियर लगा बेटा. यस ये गया इंदौर. मम्मी ग्वालियर लिखा है, लो आप ग्वालियर पे लगा दो. कहाँ पे मुझे बता, ये लिखा ग्वालियर, थोड़ा ऊपर लिखा. तो एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाए क्योंकि खुला रहता है फ्रॉम 10 o'clock टू 2:30 और आज ना हम लोग आए ही 4 o'clock पे क्योंकि इतना तेज सन था. सो वी थॉट कि थोड़ा इवनिंग में जाएंगे देन इट विल बी मच बेटर. बट आप आ सकते हैं और यहाँ पे चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. लोकेशन मैंने लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक आउट. और प्राइस है अगर आपको चीज़ का एक्सपीरियंस करना है तो 16 € पर पर्सन. हाउडा है चीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे चीज़ लटका हुआ दिखेगा. ये देखिए ऊपर चीज़ ही चीज़ लटका हुआ है. और आप ये फ्लैग्स देख रहे हैं, ये फ्लैग एक्चुअली जो हाउडा सिटी है वो 750 years पहले इस्टेब्लिश हुई थी और उसके लिए वो लोग बना रहे हैं अपना 750 years ऑफ सेलिब्रेशन. इसलिए पूरे जगह से फ्लैग्स लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है 750 years ऑफ हाउडा. तो वॉक करते करते आगे हैं इस फेमस ब्रिज पे जिसका नाम है हॉर्न ब्रुक. मतलब अगर ट्रांसलेट करें ना लिटरली तो होगा हॉर्न यानी तो हॉर्न होता है और ब्रुक यानी ब्रिज होता है, तो सिंह वाला ब्रिज. और वॉट इज़ फैसिनेटिंग इज दिस ट्री, कैसे उसमें आ रहा है वो नीचे तक एंड इट्स मेकिंग इट सो ब्यूटिफुल. बिल्कुल कैनाल के ऊपर ऐसे ट्रीज आ रहे हैं एंड इट्स मेकिंग इट सो ब्यूटिफुल. बट ये फेमस कैनाल है एंड ये फेमस ब्रिज. जो मैंने पिक्चर देखा था ना उसमें एक साइकिल रखी थी एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. अभी तो नेदरलैंड्स है, साइकिल का बाहर है इधर, इतने सारे साइकिल्स यहाँ लगा रखे हैं. जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा वो है द रूट लियो, यानी अगर ट्रांसलेट करें तो द रेड लायन. और वो क्या है वहाँ पहुँच के बताते हैं. होपफुली ऐसा ना हो कि, वैसे तो बंद होगा बट एटलीस्ट हमें दिख जाए अच्छे से. लेट्स गो. तो पहुंच गए हैं विंडमिल एंड दिस इज़ द विंडमिल, द रोड लेओ यानी द रेड लाइन. शायद इसलिए बोलते होंगे रेड ब्रिक्स होंगे बट अभी तो वैसे देखा जाए तो रेड ब्रिक्स भी नहीं दिख रहे हैं और हाफ सीमेंटेड हो गया है. एंड मैंने पढ़ा था कि ऑपरेशनल है विंडमिल और यहाँ फ्लोर मिलता है, बाजू में शॉप है, तो अभी तो बंद है सब कुछ. बट दिस इज़ वन ऑफ द विंडमिल्स.
फेमस विंडमिल ऑफ खाउटा हाउडा एंड हो सकता है कि अभी इवनिंग हो गया इसलिए बंद हो बट नाइस राइट और यहाँ पे इतनी सारी बड़ी बड़ी बोट्स खड़ी हुई हैं ह्यूज बोट्स कैनाल के उधर ह्यूज बोट्स नहीं बात सही है दूर से लग रहा था कि यहाँ पे शॉप नहीं है शॉप को यहाँ विंकल बोलते हैं सो दिस इज द शॉप और एक्चुअली सिर्फ दो ही दिन खुली रहती है डोंडर डाग मतलब थर्सडे और सैटरडे 9 से 2 बजे के बीच में और आज 4 बजे के तक खुली थी और ये रखा आटा ये लिखा ना तारवे ब्लूम दैट मीन्स होल व्हीट का आटा है इसमें और ये इस विंडमिल से बना है और यहाँ पे है थोड़ा जल्दी आते ना अगर आप आए ना तो जल्दी आइए और फिर ना यहाँ से आटा ज़रूर लीजिए मेरा मन तो था कि यहाँ से अगर आज मैं ले पाती आटा वॉक कर रहे हैं हम लोग खाउटा में विच इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी एक्चुअली इस सिटी को हो गए हैं 750 ईयर्स और ये है चर्च विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चर्च इन नेदरलैंड्स और काफ़ी आपको ऐसे यहाँ पे है ना बहुत सारी ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगी जैसे कि ये विच इज़ 1609 की बिल्डिंग है एंड ये म्यूज़ियम है एक्चुअली अब और हम क्योंकि इवनिंग में आए हैं सो दिस सिटी इज़ ऑल टू आर सेल्फ्स क्योंकि सारे टूरिस्ट जा चुके हैं सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं तो अभी पूरे सिटी को हम आराम से ना घूम पा रहे हैं रिलैक्स होके सब कुछ देखते हुए चर्च के पूरे ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हम लोगों को दिखा ये ऐसे छोटे छोटे नहरों से लेन के नहरों से हाउसेस ये एक्चुअली उस तरफ सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उस रेस्टोरेंट्स का जो बैक है वो इस तरफ है बट यू लुक एट इट हाउ नैरो दीज हाउसेज आर लाइक इतने छोटे छोटे से हैं एम्स्टरडैम में तो है ही यहाँ पर भी वैसे ही हाउसेज हैं ऐसे सेमी सर्कल में पूरे बने हुए हैं आप लोग नेदरलैंड्स आए होंगे या कभी नेदरलैंड्स के बारे में सुना होगा तो ये वाला बिस्किट के बारे में ज़रूर सुना होगा विच इज़ ट्रूप वैफल तो अगर आप एम्स्टरडैम आते हैं तो उसको फ्रेश बनाते हैं वहाँ पर और खिलाते हैं बट आपको पता है कि ओरिजिनली कहाँ से है तो नेदरलैंड से ही बट हाउडा सिटी से है जो जो ट्रूप वैफल्स हैं वो हाउडा सिटी से है तो आप आए तो ऑफकोर्स ये भी ज़रूर खाएँ इट्स यम चर्च का बेल सुनाई दे रहा है आपको और घूमते घूमते दिखाए ये क्यूट सा घर विथ रेड विंडोज और इस घर का नंबर है 1 एंड विथ चर्च का बैकड्रॉप एंड दिस होम एक अलग ही फीलिंग दे रहा है अलग ही वाइब दे रहा है नाइस आगे चलते हैं अब ये नीदरलैंड की पुरानी सिटी देख के बहुत ही सुंदर सिटी है और ये स्क्वायर बहुत सिटी है और ये जो टाउन हॉल है बहुत अच्छा है और अभी घंटी भी बज रही है चर्च की तो अभी बज रहे हैं 7:45 मतलब 7:45 और अभी कॉफ़ी पी के थोड़ा आराम मिला तो अभी और फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं उसके बाद घर चलते हैं ये पुरानी सिटी का पुरानी सिटी का टूर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और कॉफ़ी पीने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील किया और इसके बाद आज का टूर यहीं ख़त्म करते हुए घर वापस तो करते हैं इस वीडियो को एंड आप लोगों को कैसा लगा ये एक डिफरेंट टाउन विच इज़ बियॉन्ड एम्स्टरडैम तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे 3-4 दिन का प्लान है तो एम्स्टरडैम के अलावा क्या देख सकते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन
आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ फैक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय बाय।